राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार बनाए जाने पर जेडीयू सांसद हरिवंश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के सहयोगियों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत ही नहीं, कोरोना संकट के नाते पूरी दुनिया के सामने कई तरह की गंभीर चुनौतियां हैं, जिसका निदान निकालने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के प्रयासों से उच्च सदन की उत्पादकता बढ़ी है और सदस्यों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। संसद भवन में एनडीए उम्मीदवार के नामांकन प्रस्ताव को महासचिव को सौंपने के बाद हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह ने उनसे बातचीत की। सर, एनडीए ने दोबारा जो है आपके नेतृत्व में उपसभापति के चुनाव में आपको दोबारा जो है एक प्रस्ताव किया है आपके नाम का, और पिछले बार भी आपका आपके पास एक छोटा सा कार्यकाल था, ज़्यादा समय नहीं रहा और बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि नए जनादेश के बाद जिस तरह के माहौल में हाउस चला और बहुत अच्छा पार्लियामेंट का जो दोनों सदनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। आपको अभी आगे क्या उम्मीद दिख रही है सर, और किस तरह का आप आने के बाद किस तरह के बदलाव आपके दिमाग में परिकल्पित? दरअसल मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा एनडीए के सभी नेताओं का, सभी घटक दलों का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी वरिष्ठ नेताओं का, मैं जिस दल से हूँ उसके मुख्यमंत्री जी का, जिन सबके सहयोग से मुझे पुनः यह एक दायित्व मिल रहा है। मैंने पहले भी हमारे राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं और देश के उपराष्ट्रपति जी हैं, जो पदेन चेयरमैन होते हैं, उनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने, जानने और करने का मौका मिला। आगे पुनः वह मौका मिलेगा। हमेशा उनका यह एक तरह से, जिसे हम एक शब्द में कहें, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रहता है कि जो इस सभा की मर्यादा पहले से स्थापित है, जो गरिमा है, उस गरिमा और मर्यादा के तहत राज्यसभा श्रेष्ठ ढंग से काम करे, यह काम हमें करना है। तो यह दायित्व मैं पूरा करने की उनके मार्गदर्शन में कोशिश करता हूँ, और एनडीए के सभी नेताओं की भी यही अपेक्षा है कि बहुत बेहतर तरीके से हाउस चले। और आप जानते हैं, आज दुनिया जितनी तेज़ी से बदल रही है, उसमें हम संसद के कामकाज को भी उस संदर्भ में करना सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि देश आगे जा सके, और वही मेरी भूमिका होगी। ये जो सर आपका चुनाव, ये जिस दौर में हो रहा है, जिस जो माहौल है इस समय, वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण माहौल है पूरे दुनिया भर के, एक तरह से अगर आप देखिए, संसदों के लिए भी, जनप्रतिनिधियों के लिए भी, और देशों के लिए एक तरह से। तो ये जो मानसून सत्र हो रहा है सर, ये इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अपने साथी सांसदों से, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है। हर चुनौती में ही नेतृत्व का सृजन होता है, और आप देख रहे हैं खुद देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार रेखांकित किया है कि इतनी बड़ी चुनौती कोरोना की जो दुनिया के सामने आई, उस चुनौती में कैसे भारत ने कई क्षेत्रों में विशिष्ट काम करके दिखाया, और इसी चुनौती में जिस तरह के भी गंभीर संकट आए, उसमें भारत ने वो प्रतिष्ठा दुनिया में अर्जित की है जो शायद पहले नहीं थी। तो इस चुनौतीपूर्ण वक्त में भी संसद उसी ढंग से काम करेगी, जिसमें एक नई लकीर पैदा होगी। यह करने वाले बहुत सारे देश के वरिष्ठ लोग हैं, उन सब के मार्गदर्शन में हम सबको संसद में उस रूप में बेहतर काम करना है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक माननीय सदस्य, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, जब आप आसन पर होते हैं सब समान हैं, उन सबके अच्छे कामों से मैं सीखता हूँ और बहुत कुछ सीखा है।